हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू आवर चैनल विच इज कुक एंड ब्लॉग्स विद छा। आज मैं और मम्मी आउटिंग पे आए हैं। बहुत दिन हो गए थे। मैं और मम्मी आए मूवी देखने और इसका हमने बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं रिलीज हुआ था ना, तो क्या कहते हैं मम्मी, बहुत ज़्यादा ही सुना था कि बहुत अच्छी मूवी है। ट्रेलर रिलीज हुआ था तो, और देखा भी तो बहुत मन था। द केरला स्टोरी आप सभी तो जानते ही हैं। माँ बेटी निकले हैं सिर्फ, यस, तो माँ बेटी आए हैं देखने। टिकट्स ऑनलाइन ही बुक कर ली थी पेटीएम से। बड़े मामा जी छोड़ के गए और लेने भी आ जाएंगे बड़े मामा जी, तो चलते हैं। उनका ऑफिस था तो आ नहीं पाए। हमारे घर के पास ही एक मिराज सिनेमा है, वहीं आए हैं, तो चलते हैं। ये है मिराज सिनेमा। ये एक्चुअली मॉल वॉल नहीं है, सिर्फ हॉल थिएटर हॉल है और काफ़ी पुराना है। पहले इसे M4U के नाम से जानते थे, अब मिराज सिनेमा हो गया है, तो ठीक है। यहाँ पे मॉर्निंग की टिकट्स जो होती हैं ना, वो 50 रुपये सस्ती होती हैं, तो मैं और मम्मी सुबह सुबह आ चुके हैं। वैसे जैसे 210 होगा तो उसमें 50 रुपये आप लेस कर दो, तो मॉर्निंग की टिकट 50 रुपये सस्ती होती है ना, इसलिए हम आए सुबह सुबह सारा काम निपटा के। ठीक है, चलिए चलते हैं। एक बहुत अच्छा खासा सा एक पॉइंट बता सकती हूँ। तीन लड़कियाँ थी, क्रिश्चियन नहीं कन्वर्ट हुई, ना ही उसने फॉलो किया, हिंदुओं ने ज़रूर कर लिया। इतने कंफ्यूज्ड रहते हैं ना हम सब। अपने बच्चों को ना थोड़ा सा रिलीजन के बारे में बताना चाहिए, ऐसे ही कट्टर बनाना चाहिए, ताकि कोई बहला फुसला के कुछ भी ना कर सके। ठीक है, रिलीजन के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है। पूजा पाठ करना ये सब सिखाना चाहिए। ऐसा नहीं है, मेरा गोलू बहुत पूजा पाठ करता है, बहुत ही ज़्यादा। मूवी ओवर और हम लोग निकल रहे हैं, मैं और साक्षी अंबर चलते हैं, है ना? चलो, मन दुखी हो गया बिल्कुल, है ना, बहुत ज्यादा। और अब चलते हैं कुछ खाने पीने। खाने पीने मतलब मुझे बेसिकली ये लगा कि कन्वर्जन भी हुआ तो लड़कियों ने अपनी हिंदू रिलीजन को इतना कम क्यों वो किया, पता खुद ही डाउटफुल रहता है। जब उन्होंने कहा शिवा के बारे में, कृष्ण जी के बारे में, राम सीता के बारे में, तो हमारे पास आंसर्स होने चाहिए। तो अब से ये करना है कि अपने रिलीजन को फॉलो करना है कट्टरपंथी से, सुबह पूजा करनी है, शाम को आरती करनी है, बहुत अच्छे से मानना है, और अपने घर के बच्चों को भी सिखाना है, और हर चीज़ सिखानी है, हर कोई बरगला ना सके, है ना। जो भी हमारी कथा है या महाभारत की है, रामायण की है, किसी की भी अच्छे से पढ़ाना है। हाँ। इतना मुझे गलत लगा, कह रहे हैं कि गॉड, तुम्हारे भगवान तो खुद ही हेल्पलेस है। क्यों हेल्पलेस है? इनको नहीं पता कि उन्होंने अवतार लिया था और किस चीज़ के लिए लिया था। गलत को क्लैरिफाई हम करने लगेंगे तो बहुत बड़ी। बट कंक्लूजन ये है भाई, हरे कृष्णा। मामा जी को कॉल करो, आ रहे होंगे। आ गए हम लोग, माइके आ गए, भूख इतनी तेज लगी थी, अभी इस टाइम पे कहीं खुला हुआ नहीं था, दोपहर के टाइम, इतना दोपहर है ना, बहुत ज्यादा बाहर तो लू चल रही है, हमने मतलब रुकने का, खड़े होने का भी हमें हिम्मत नहीं हुआ उतरने। किस मजबूरी में आप इस गर्मी में बाहर गए हो? फिल्म देखो है, झूठ बोल रहे हो, है नहीं, जाओ हमें लेके नहीं गए थे, ऊपर से बताया भी नहीं, इमरजेंसी में ऐसे। इनका प्लान होगा, इनके पति ने देखी है ना, तो इनको भी देखनी रही होगी, सब पता है हमें। कश्मीर फाइल दिखा दिए। अरे मैंने नीरज जी के स्टेटस पे देखा था, वो देखने गए थे पूरे ग्रुप के साथ, तो ये ना, ये किसी ने, मेरी याद नहीं आई, माँ बेटी दोनों जने गए। हाँ, मुझ गरीब को भी लटका लेते, मतलब ये मॉर्निंग वाला था ना, तो गुड्डू से पूछा था मैंने। हाँ। कहाँ बहन, उसको ये सब ऐसी वाली फिल्में पसंद नहीं है। हाय राम, अब ऐसे मुझे बदनाम कर रखा है, कोई फिल्म छोड़ती हो तुम? हाँ, मुझे, मैंने फिर कहा यीशु को ले जाती हूँ। हाँ। अंडर 18 है, ऐसे ही कश्मीर फाइल्स हमने देखी थी जब ये लोग नानी के यहाँ थे, क्योंकि उसमें भी बच्चे अलाउ नहीं थे, याद है आपको? तो मैं कह रही थी
सुबह से मम्मी सो रही हैं, आज तबीयत ठीक नहीं है, सुबह से सो रही हैं, सुबह की चाय नींद में पी, नहाई नींद में, खाई नींद में, फिर सो रही। अब दीदी को देखते ही अब ठीक हो गई। बहू ने सेवा की होगी तो बच्चे से तो सेवा नहीं करी, वो सो रही है, बस उठा के खाना खिला दिया, बोला नहा के खाना खा लो, और खाए और फिर सो गई। तो उनको चैन से सोने दिया, हम इतनी सेवा करते हैं कि चैन से सोने देते हैं। हमें नहीं, मुन्नू को बहुत तेज भूख लगी थी। हाँ। तो मामी क्या बनाओगी? हाँ। मामी ये बना लो, तो दोनों मामी तो झटपट वाली। हाँ, मुन्नू ने कहा कुछ भी बना लो, मैंने कहा पूछ लेती हूँ, अगर दाल चावल भुजिया मन हो, पता नहीं कहाँ से आ रहे हैं धूप में कहाँ से नहीं, तो नहीं आप पूड़ी भुजिया बना लो, हम चाय पूड़ी खाएंगे। चलो ठीक है, यहाँ यहाँ पे फटाफट पूड़ी बन रही है भाई, फटाफट। आज बेल भी रही है क्योंकि मैं भुजिया बना के चाय बनाने लगी, बच्चों से बतियाने लगी, तो बेल भी खुद ही रही है आज। सही रहा, चलो पप्पू के चाय एकदम टाइम पर बैठ गए, एकदम एक्यूरेट टाइम पे चाय मिल गई। शिव पुराण करेंगे पापा हमारे। हाँ, 9 बजे निकले थे सुबह। बताओ सुबह 9 बजे जाती? नहीं नहीं जाती, पर ये तो अब मैं तो कह सकती हूँ ना, मुझे लेके नहीं गए, बाकी मैं जाती थोड़ी ना। वो देखो ये देखो, बहू तो बहू, सासू माँ को भी दुख है। लाइट नहीं थी फिल्म वाली, लड़कियों के देखने के लिए थी। ओ। तो मैं मुन्नू को लेके मैं गई थी। हाँ, तुम भी चली जाती, मगर मॉर्निंग रूटीन की वजह से उन्होंने मना ही कर दिया होगा। मॉर्निंग रूटीन अलग ही रहता है सुबह, मॉर्निंग का तो अलग ही रहता है। अरे कोई नहीं, फिर चल लेंगे। चल रहे अब हम जा रहे हैं घर। चुन्नी दे तो बेटा, घर जा रहे हैं, कल की तैयारी भी कर ली है। अब याद आया मुझे अब याद आया, हवन करा रही हूँ मैं, क्यों करा रही हूँ सब कल बताऊंगी, है ना। अभी काम पे क्या, मैं कहाँ आए बोलो, तो चलते हैं घर या शॉप पे मिलते हैं। मिठाई लेनी है, फ्रूट लेना है, आम की लकड़ी लेनी है, हवन सामग्री लेनी है, पूजा का कपड़ा लेना है, तेल जो अक्षत सब कुछ लेना है। चलिए मेरे साथ लेते हैं केला। पूड़ी वाली बुक कर रही है, पूड़ी के लिए और सब्जी के लिए हलवाई बुक कर दिया है। टाइम पे नहीं आएंगे। रोकड़ा कितना मिलेगा? रोकड़ा आधा पगार। पगार मिलेगा? पहले बोलो पगार। हवन में पापा जी और मैं, यहाँ पे नानी के घर से हम आ चुके हैं और मैंने कर लिया है चेंज, मैंने येलो सूट पहना था। और कल करवा रही हैं मम्मी हवन, हवन हो रहा है। वैसे तो पंचमुखी हनुमान जी का पाठ होगा और नाना बाबा करेंगे पाठ, हवन करेंगे पंडित जी, उसकी तैयारी करनी है। कल है, आज ही तैयारी करनी है, इसलिए मम्मी चली गई है मार्केट। और बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, लकड़ी हो जाता है, ये लाना है, आम का पल्लव, पूरा लिस्ट दे देते हैं पंडित जी। तो मॉम गई, अपना फ़ोन भी भूल गई हैं, और गोलू को भेजा है लड्डू लाने के लिए अग्रवाल स्वीट्स कॉर्नर से, उसके लड्डू बहुत टेस्टी होते हैं। और लड्डू से याद आया कि फ्रिज में बहुत सारी मिठाइयाँ रखी हुई हैं, तो मैं खा लेती हूँ 2-3 मिठाई, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी मिठाई रखी हुई है, तो खाऊंगी। काजू कतली रखी है एक्चुअली, तो बहुत टेस्टी है। और लेके आई थी वो मेरी मामी सासू माँ जी जो आई थी, वो लेके आई थी। और मुझे लगता है ना कि वो वीडियोस देख देख के लेके आई थी कि मुझे क्या क्या अच्छा लगता है, वो सारी चीज़ें लेके आई थी। तो मैंने बहुत सारी चीज़ें खाई हैं उसमें से, तो थैंक यू सो मच। और आप सभी को अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, बिल्कुल सब्सक्राइब करके जाएँ और बेल बटन ज़रूर दबा दें। मिलते हैं अगली वीडियो में हनुमान जी के पाठ के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।